हाय गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो अभी तक हम लोग डायगनल डिफरेंसेस कर लिया था, अभी नेक्स्ट करना है प्लस माइनस। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है क्वेश्चन कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट्स दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन ऑन अ न्यू लाइन विद सिक्स प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन तुम्हारे क्वेश्चन का। नोट में लिखा है कि दिस चैलेंजेस इंट्रोड्यूस प्रिसिशन प्रॉब्लम, द टेस्ट केसेस आर स्केल्ड टू सिक्स डेसिमल प्लेसेस। थ्रू द आंसर विद एब्सोल्यूट एरर विद 10⁻⁴ आर एक्सेप्टेबल। तो बोल रहा है कि इतना एरर ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, और ये प्रिसीशन जो भी ये जो अप टू सिक्स प्लेसेस लिखा है वो ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम में आता है, ये प्रिसीशन प्रॉब्लम्स में आते हैं बेसिकली। ये जो भी इस टाइप के होते हैं कि इस डेसिमल तक प्लेस करो, उनको प्रिसीशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो बस यही है। तो एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट्स दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो एक एरे दिया रहेगा जिसमें एलिमेंट्स रहेंगे 1 1 0 -1 -1, एक एग्जाम्पल है इस टाइप का। तो इसमें बोल रहा है कि देर आर एन फाइव एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5, ओके 5 एलिमेंट्स हैं। और उसमें क्या है, दो पॉजिटिव हैं अगर देखो तो, दो नेगेटिव हैं और एक जीरो है। दो नेगेटिव है मतलब -1 -1 और एक जीरो है। तो देर रेशियोज आर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, पहला अगर अगर लो तो किस कौन सा लो, पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दो है तो 2 अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 5, इसका ये हो जाएगा अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। सेम लो अगर तुम नेगेटिव का, तो नेगेटिव के कितने हैं 2 हैं, तो 2/5 ये आ जाएगा। और पॉजिटिव के कितने, और जीरो के कितने हैं, जीरो के हैं 1 है सिर्फ, तो 1/5 ये आ जाएगा। रिजल्ट्स आर प्रिंटेड एज, तो इस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट द रेशियो ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज इन द एरे। तो सबसे पहले हम लोग को पॉजिटिव प्रिंट कराना है, फिर नेगेटिव प्रिंट कराना है, फिर जीरो के लिए प्रिंट कराना है। अगर इस सीक्वेंस में तुम गड़बड़ी कर दोगे तो फिर टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे। तो बी स्टिक टू व्हाट दे आर सेलिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ईच वैल्यू शुड बी प्रिंटेड ऑन सेपरेट लाइन विद द सिक्स डेसिमल आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस। द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन शुड नॉट रिटर्न द वैल्यू, तो फंक्शन क्या रिटर्न नहीं करेगा, क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं सब रिटर्न करना था, पर इसमें रिटर्न नहीं करना है, इसमें प्रिंट करना है। तो इनपुट बता रहे हैं क्या आएगा, इनपुट एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रहेंगे, पहले एन रहेगा उसके बाद फिर एलिमेंट आएगा। तो ये हो गया पर्टिकुलरली, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे करता है। तो एन इक्वल टी हो गया एरे और प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी फिर जाते हैं प्रिंट वाले में, प्रिंट एवरेज लाइन प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज इन प्रोपोर्शन ऑफ जीरोस। तो हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन पहले ये दिया हुआ है, प्लस माइनस का एक दिया हुआ है जिसमें एरे पास होगा। एरे हम लोग का इस फॉर्मेट में आएगा जिसमें एलिमेंट्स रहेंगे सिक्वेंस वाइज में, और हम लोगों को प्रॉब्लम क्या करना है, प्रिंट करना है, रिटर्न नहीं करना। पहले बता चुका हूँ यहाँ पे लिखा था फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, सिर्फ प्रिंट करना। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो सिंपली क्या कर रहे हैं यार ये लोग, कोई रिटर्न करके कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पहले मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एन ले रहे हैं इनपुट्स, एरे में ये ले रहे हैं और फिर प्लस कॉल कर दे रहे हैं एरे में, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली प्रिंट ही करना पड़ेगा फंक्शन में, ही रिटर्न करोगे तो कुछ होगा नहीं, मतलब बेसिक्स है ही। तो बस करना ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हम लोग कौन सा फिल्टर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर जीरो। तो एक सिंपली मेरे दिमाग में आया कि पहले एक लूप चला लेते हैं एरे में, अगर वो आई ग्रेटर देन जीरो रहता है तो हमको पता है कि वो पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव बना लेते हैं जिसको जीरो दे देते हैं इनिशियली, और वो पॉजिटिव में हम लोग ऐड करेंगे आई को। और फिर अगर वो आई लेस देन जीरो रहता है मतलब नेगेटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में ऐड होगा। तो सब उसके लिए सबसे पहले एक नेगेटिव वेरिएबल बना के उसमें जीरो डाल दो, और यहाँ पे सेम कर दो, नेगेटिव प्लस इज इक्वल टू आई, और एल्स करो या फिर एलिफ लिखो, बातें की है तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली मैं एलिफ लिख देता हूँ। एलिफ आई इज डबल इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो रहता है तो जीरो में एक और फंक्शन वो वेरिएबल बना लेते हैं जिसको जीरो असाइन कर देंगे पहले, क्योंकि जीरो है और जब भी वो आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा उसमें। हम लोग क्या करना है, हम लोग को काउंट करना है, ना कि उसके वैल्यूज को काउंट करना है, राइट। तो प्लस वन करेंगे, सॉरी वो आई की वैल्यू से हम लोग कोई मतलब नहीं है, प्लस वन करेंगे। तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग को सारे काउंट्स हम लोग के पास आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो मेरे को कैसे पता चला कि वहाँ काउंट ऐड करना है, नंबर्स नहीं ऐड करने है। और इसमें देखो तो इसमें हम -4 और कहीं ऐड नहीं कर रहे हैं, इधर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि 3/6, तो पॉजिटिव 3, तो 3 कौन कौन से पॉजिटिव है, 3, 4 और 1, तो वो ऐड किया है ना कि वैल्यूज को। अब आ गया हम लोग के पास, अब हम लोग क्या करना है, सिंपली काउंट आ ही गया है तो डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं प्रिंट पॉजिटिव डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। तो यही हम लोग सेम चीज कर देंगे सबके लिए, सबके लिए किसके लिए, सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव जो सीक्वेंस में क्वेश्चन ने बोला है, और जीरो।
अब प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। देखो पहले तो बात गलत आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग का यहाँ पे बोला गया कि 6 डेसिमल प्लेसेस, पर अपने 6 डेसिमल प्लेसेस मेंटेन नहीं करेगा, तो इन लोगों ने पता नहीं क्यों करेक्ट कर दिया है, क्यों करेक्ट होना नहीं चाहिए शायद, इजी इजी में इसलिए किया है, बहुत ज्यादा प्रिसीजन में। अच्छा नहीं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर ये लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, पर हम लोग एकदम स्टिक रहते हैं 6 डेसिमल प्लेसेस पे ही। तो अपना यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग आउटपुट आ रहा है 0.375, पर एक्चुअल में आउटपुट कितने आना चाहिए, अब तो 6 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए थे, मतलब 375 और 30 आना चाहिए था। देखो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें 375 और 30 आने चाहिए, ठीक है, पर आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो अभी करते हैं। तो देखो यहाँ पे योर आउटपुट में 0.375 आ रहा है, पर उतना आना नहीं चाहिए, आना क्या चाहिए 375000, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो आउटपुट आ रहा है वही दे दे रहा है, उसमें कोई प्रिसीजन नहीं कर रहा है 6 डेसिमल प्लेसेस के लिए, हम लोगों ने उसके लिए वहाँ पे लिखा भी नहीं है, पर फिर भी ये लोग एरर एज अ ये लोग एब्सोल्यूट एरर 10^-4 एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, वरना नहीं होते। तो अभी इसको करने के लिए पाइथन में फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली बस इसको याद कर लेना, ऐसे लिखते हैं, तो पहले अभी मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, या फिर देखो कोलन, कोलन मतलब कोलन के बाद, ठीक है, कोलन के मतलब हम लोग पीछे वाले में एरर करेंगे, क्या करेंगे, डॉट के बाद अप टू 6f, f मतलब फ्लोटिंग पॉइंट तक करेंगे, डॉट फॉर्मेट ऑफ ये नंबर, और इसको तीनों कर देंगे। मैं पहले प्रिंट कराता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव फिर 0। तो अभी देखो एकदम मैच कर रहा है ना, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, टेस्ट के 0 का भी 1 का भी देखोगे तो सेम एकदम डिक्टो मैच कर रहा है, कोई भी हम लोग एरर नहीं दे रहे हैं जो कि इसमें काउंटर हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्यों कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है कि ये हम लोग इसको फॉर्मेट दे रहे हैं कि जो नंबर ये डिवाइड होके आया है वो इस फॉर्मेट में हो जाए, डॉट फॉर्मेट। तो हम लोगों ने फॉर्मेट का सेट किया है कि कोलन, कोलन मतलब कोलन के बाद, स्लाइसिंग का है, कोलन के बाद मतलब पीछे वाले का हम लोग कर रहे हैं एडिट, पीछे से एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे वाला डॉट के बाद, डॉट के बाद पीछे से डॉट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, तो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक आउटपुट देगा, तो अगर जितना होगा उसको कट कर देगा, नहीं होगा तो उसमें 0 ऐड कर देगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो एक ही बात है, तो बस ये, और सबमिट कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, पहला स्टार हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ले लिए हैं अभी तक, तो हे कॉन्ग्रेट्स, और ऐसे ही बने रहना, नेक्स्ट सारे अप टू गोल्ड तक चलेंगे हम लोग।